नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वैकल्पिक मोर्चा ने खोला मोर्चा, कहा रोजगार के अवसर समाप्त कर रही है सरकार। सामूहिक विवाह समारोह में 4 जोड़े बने हम सफर, 24 जुलाई को 25 जोड़ों का होगा निकाह। मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की हुई दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम। और आईपीएल की तर्ज पर सोमवार से शुरू होगा भागलपुर क्रिकेट लीग मैच का आयोजन, 5 जून को होगा फाइनल मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज परिसर में रविवार को वैकल्पिक मोर्चा के द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामशरण ने की। सम्मेलन में देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हुई, साथ ही आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में ध्यान आकर्षित कराया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार को अपनी जनता और आम आवाम से कोई लेना देना नहीं, केवल उन्हें अपनी सत्ता प्यारी है। नेता चुनाव के समय जनता को दिग्भ्रमित कर सत्ता पाने का काम करते हैं। संयोजक डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि सरकार देश में सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर नौजवानों के लिए नौकरी पाने का रास्ता बंद कर रही है। मौके पर डॉक्टर मनोज मिता, अमरनाथ, यास्मीन बानो, घनश्याम, देव ज्योति मुखर्जी, जयंत जलत के अलावे काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये सरकार ने जब कहा था कि 70 वर्षों में कुछ नहीं होगा, तो जो भी हुआ था, चाहे सेल हो, बेल हो, एनटीपीसी हो, या एलआईसी हो, या हवाई अड्डा हो, या रेल हो, उसको उन्होंने बेचने का काम किसने अधिकार दे दिया आपको? आपको बनाना था और आपने उसको बेचा, आपने उसको बर्बाद किया, पूंजीपतियों को जिम्मे किया, आम आदमी की आमदनी घटी और अमीरों की आमदनी बढ़ी। आखिर ये कैसा विकास है? तो उस पर सवाल है। और महंगाई बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन में जो छात्र युवा आए हैं, आगे का जो कार्यक्रम होगा उसको हम लोग बाकायदा उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और पटना में और जगह जगह उसका हम लोग सम्मेलन करेंगे। भागलपुर हबीबपुर स्थित शीश महल में रविवार को गरीब और यतीम लड़कियों के लिए सामूहिक निकाह का आयोजन किया गया। खुदाई खिदमतगार संस्था की ओर से आयोजित विवाह समारोह में 4 जोड़ों का निकाह हुआ। वहीं संस्था के मोहम्मद शहबाज ने बताया कि कुल 6 जोड़ों के निकाह का प्रबंध किया गया था, लेकिन किसी कारणवश 2 जोड़ा नहीं पहुँच पाया। उन्होंने बताया कि आज बरहपुरा के मोहम्मद निहाल का निकाह, अजीज नगर की सोनम, मौलाना चक के सैयद इरफान आलम का खिलाफत नगर की बीबी कोमल, कबीपुर के मोहम्मद चांद का हबीपुर की नगमा परवीन और अजीज नगर के तवरेज का निकाह मोहद्दीपुर की यास्मीन के साथ पढ़ाया गया। इस दौरान सामूहिक निकाह में शिरकत करने पहुंचे छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, समाजसेवी एनुल होदा, वसीम खान उर्फ लल्लू, फयाज अहमद उर्फ मोंटी, शाहिद इकबाल बबलू और शहर के कई लोगों ने नए जोड़ों को शादी की मुबारकबाद दी। सादगी के साथ हुई शादी में प्रत्येक जोड़ों को कमेटी की ओर से उपहार देकर विदा किया गया। मोहम्मद कमर अमान ने बताया कि दूसरे फेज में 24 जुलाई को 25 जोड़ों के निकाह कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं समाजसेवी वसीम खान ने कहा कि सामूहिक शादी से गरीब लड़के और लड़कियों का निकाह आसानी से हो जाता है। प्रोफेसर फारूक अली ने बताया कि समाज में बढ़ रही कुरीतियों को रोकने एवं गरीब परिवार के बेटे बेटियों की शादी करवाने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना सराहनीय प्रयास है। 6 लोगों का हमारा इंतजाम है निकाह के लिए, लेकिन 2 नहीं आ सके किसी कारण से। एक की माँ का इंतकाल हो गया, एक जो है एक मजदूर है जो उसको टिकट नहीं मिल पाने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी 4 बच्ची का निकाह हो रहा है और इस आयोजन में मतलब आगे के जो हमारा 24 जुलाई 2022 को होने जा रहा है उसमें हम 25 बच्चियों के निकाह का लक्ष्य रखा है। इंशाअल्लाह ताला हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। वेल, ये अभी फर्स्ट टाइम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये शीश महल मैरिज गार्डन की तरफ से ये पूरा पैकेज जो हम लोग रखे हैं,
ये बिल्कुल ही फ्री है एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच इवेंट्स आल्सो। और हमारे टीम में ये तो मैरिज हॉल हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया गया है और हमारे टीम मेंबर हैं मिस्टर गुफरान आइए, ये हमारे यहाँ टेंट का और जो भी सजावट का काम है वो करते हैं और एक और है जो इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं राज डेकोरेशंस की तरफ से मिस्टर राज, उनका भी पूरा सहयोग रहा है इसमें। तो इन तीनों लोगों मेरा और ये दो लोगों ने कोई चार्ज नहीं लिया अपने सर्विसेज का और हम ऐसा सोचे फ्यूचर में भी हम लोग इस तरह का और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। नाथनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में मिट्टी लदे ट्रैक्टर के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी रंजीत यादव के 7 वर्षीय पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे मिट्टी लदे ट्रैक्टर के चपेट में साजन कुमार आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके से चालक दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर हाल है। मतलब मेरा बेटा बैठा हुआ था पीछे और मतलब उधर से आ रहा था स्पीड में आ रहा था ट्रैक्टर और मतलब आगे चक्का से मारा, मेरा बेटा गिर गया, मतलब चक्के चढ़ा दिया उस पर यार, लगा के भाग गया तुरंत स्पीड से डिलीवर सुधीर धारो यादव का काम हो रहा है मुखिया जी का, प्रमोद मुखिया जी का। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 5 दिवसीय भागलपुर क्रिकेट लीग 2022 का आयोजन 30 मई यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट मैच को लेकर रविवार को सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए समाजसेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि IPL के तर्ज पर मैच का आयोजन होगा जिसमें तिलका मांझी फाइटर्स, बूढ़ानाथ टाइगर्स, घंटागढ़ चैंपियंस, चंपानगर वॉरियर्स और मिर्जान किंग सहित 5 टीम मैच में हिस्सा लेगी। बता दें कि 30 मई से 3 जून तक मैच खेला जाएगा जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेला जाएगा और 5 दिन में यह मैच संपन्न हो जाएगा। मैच का फाइनल मुकाबला 5 जून को होगा। वह विजय कुमार यादव ने बताया कि फाइनल में पहुंचे रनर और विनर को ट्रॉफी के साथ नगद राशि का चेक भी दिया जाएगा। पहला मैच तिलका मांझी फाइटर्स और घंटागढ़ चैंपियंस के बीच खेला जाएगा। मौके पर जयशंकर ठाकुर, एनपी सिंह, अभिषेक यादव, प्रिंस यादव समेत काफी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी मौजूद थे। आज जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आप लोग को पता है कि भागलपुर में ये पहली बार, मतलब फर्स्ट बार इन भागलपुर में इस तरह का मैच जो पूरी तरह IPL के तर्ज पर ये आधारित है और जिस तरह से IPL में ये 2020 के हिसाब से जो मैच खेला जाता है उसी क्वालिटी से ये मैच जो है पूर्ण रूपेण IPL के तर्ज पर जो ये आधारित मैच खेला जाएगा। और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये क्रिकेट का जो है आयोजन किया जा रहा है और आगामी कल यानी कि 30/5/2022 को इसका भव्य शुभारंभ सुबह जो है 8 बजे हमारे ये सैंडिस कंपाउंड के ये ग्राउंड के ये क्रिकेट ग्राउंड जो देख रहे हैं आप लोग, इसी ग्राउंड से जो इसका भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब निजी हॉस्पिटल भी आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भागलपुर बड़ी पोस्ट ऑफिस माउंट SSC स्कूल जूनियर सेक्शन के समीप हेलोमेट्स हॉस्पिटल में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 80 लोगों ने कोविड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लिया, जबकि अधिकांश लोगों में प्रिकॉशन डोज को लेकर जिज्ञासा दिखी। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से लोगों को प्रिकॉशन डोज की जानकारी विस्तार
से दी गई। हेलो मेट्स अस्पताल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह और डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयास है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज लेनी जरूरी है। साथ ही जानकारी दी कि 18 प्लस एज ग्रुप वाले लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अस्पताल के निदेशक आनंद प्रियदर्शी ने कहा कि 18 साल से अधिक आयु के उन्हीं लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाती है जिन्होंने दूसरा डोज समय पर लिया हो और उसे लिए 9 महीने पूरे कर चुके हों। इस अवसर पर ICU इंचार्ज रंजन कुमार शाह, समाजसेवी प्रतीक कुमार, संदीप शर्मा सहित हेलोमेट्स हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मौजूद थे। आज हेलोमेट्स परिवार की ओर से कोविड टीकाकरण का अभियान चलाया गया है जिसमें कि बहुत सारे शहरवासियों को टीकाकरण दिया गया है जिसमें से फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज सारा कोविड का टीका लगाया गया है। और मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी अभी तक कोविड का टीका नहीं लिए हैं जल्द से जल्द कोविड का सेकेंड डोज या आप लोग सेकेंड डोज जो ले चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवा लीजिए और कोविड से हमेशा डट करके सामना करना है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड शंकरपुर पंचायत में शनिवार दोपहर आई तेज आंधी और वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत निवासी पप्पू मंडल के 18 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर पंचायत के मुखिया अशोक मंडल ने कहा कि घटना काफी दुखद है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एप्लीकेशन दे दिए हैं इसको, जो सहरसा राशि होना चाहिए उसको हम दिलाने का कोशिश करें। क्या हुआ था उनको? ठंका से गिर करके। कब डेट हुआ? अभी। कितने बजे? लगभग 1 बजे। सीओ साहब को कह दिए? हाँ कह दिए। क्या हम सब्जी बेच के आ रहे हैं, वहाँ से आदमी बोला कि आपका लड़का डेट कर गया ठंका कारण। क्या नाम है उसका? लड़का का क्या नाम है? राजीव कुमार। उम्र? उम्र 18 साल। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदाडी पंचायत स्थित गंगटी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया में कराया गया, जहां घायलों की नाजुक स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर माइगन अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान घायल सुबोध यादव की मौत हो गई। इधर मारपीट की सूचना मिलते ही धोरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय दलवल के साथ गंगटी गांव पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। धोरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई है, घटना के सही कारणों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। अखमखा वो लोग घर में घुस के मारपीट किया और सामान भी ले लिया है। कौन? सुखदेव यादव पहुंचे, ज्यादा बहुत सारे आदमी है, छविनाथ यादव, वकील यादव, बरेजा यादव, अभिदेव यादव। थाना पे इसका शिकायत किए? शिकायत किए लेकिन बोला कि पहले जाओ वहाँ हॉस्पिटल में, वो एंट्री नहीं कर लिया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वैकल्पिक मोर्चा ने खोला मोर्चा, कहा रोजगार के अवसर समाप्त कर रही है सरकार। सामूहिक विवाह समारोह में 4 जोड़े बने हम सफर, 24 जुलाई को 25 जोड़ों का होगा निकाह। मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की हुई दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम। और IPL की तर्ज पर सोमवार से शुरू होगा भागलपुर क्रिकेट लीग मैच का आयोजन, 5 जून को होगा फाइनल मुकाबला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।